हड्डी नहीं खेली, हमने शुरू से कड़को खेला, आधा पाधा किसने पाधा खेला, आई पाई खेली। शुरू से लड़कियों के प्रति हमारा रुझान। आपका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। और इस समय हम लोग सब लोग घूमने आए हैं, ये देखिए हम लोग छुट्टी मनाने आए हैं। और कहाँ लेके आए हैं अभी आपको दिखा रहे हैं हम। हम लोग आए हैं और ये उसका है, शायद आप लोग देखकर समझ गए होंगे। और ये हम लोग इस जगह पर घूमने आए हैं और अंदर का नज़ारा हम अभी हम आपको दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू। अभी हम लोग शो में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है, चारों तरफ काफ़ी भीड़ है और बच्चे भी आके बैठे हैं। हेलो बच्चों, हाय करो। सब लोग आ चुके हैं और हम लोग भी बैठते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोगों ने भी ऐसा शो नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहे हो। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। छत में क्या देखना है, मैं छत दिखा दूँ, बोल रही छत देखो छत भी दिखा दूँ, सब कुछ दिखा देना है। सो कंटिन्यू रही है। हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है। क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा, जैसे एक भरी मिट्टी में और पानी आ ही नहीं सकता। तेरे प्रेम को पाना है तो मन को अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा, अपने मन से व्यापार हटा तभी प्यार मिले। और मन प्रसन्न होकर बोले क्या देर है। गुलशन भैया ने कहा था अभी कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने अभी पूरे पैसे नहीं जमा किए हैं जिसकी वजह से गुलशन बाबू उदास उदास घूम रहे हैं, बिल्कुल भी इनका मन प्रोग्राम में नहीं लग रहा है, ये लिस्ट जेब में डाले भैया निपटा लिया, देखो परेशान ना करो। तो हम महिलाओं का इतना स्वागत करते हैं, हमारी अम्मा ने हमको बताया अभी चार दिन पहले कि अन्नू तुम महिलाओं का बहुत स्वागत करते हो। जब हम पैदा भैया तभी बचपने की बात बता रहे हैं कि जब तुमको कोई डॉक्टर गोदी में लेता था तो तुम फैल फैल के रोते थे, और जब कोई नर्स तुमको गोदी ले लेती थी तो तुम बहुत मुस्कराते थे। और हमने गौर भी किया भाई साहब, कभी हमने क्रिकेट नहीं खेला चार भैया, कभी हमने हॉकी नहीं खेली, कभी हमने कबड्डी नहीं खेली,
हमने शुरू से तड़प्पो खेला, आधा पाधा किसने पाधा खेला, आई पाई खेली। शुरू से लड़कियों के प्रति हमारा रुझान, आज में हमारा मेन रुझान था जब हमारे साथ के सब बच्चे कॉमर्स ले रहे थे, साइंस ले रहे थे, तब हम जुगाड़ कर रहे थे कि होम साइंस मिल जाए किसी का। होली हम केवल मनाते हैं अपनी भाभियों के साथ होली खेलने के लिए। अब बताइए इतने ज्यादा महिला का सम्मान कौन कर सकता। इसके बाद भी हमारी गुड़िया हमको नहीं पसंद, हम साफ कह रहे हैं हमारी गुड़िया हमको नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। लेकिन हमें अपने और दोस्तों की सारी पत्नियां बहुत पसंद है, उनके ऊपर हम जान लेंगे। तो बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। हम कहेंगे कि जिनके बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो तो मौत पे सुन रहे हैं, और जिनके बाकी हैं वो सोच रहे हैं टोपी लगा के आ गए, डेढ़ घंटा खराब कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे हमारे यहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे समझ रहे हैं बच्चा चोर, उनका कैसे लग जाएगी दादा, हम अपना बच्चा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, कहा बनावागा। आखिरी में बता रहा पापा हम भालू बने थे। हमने कहा यार क्या कहें तुम्हारे टीचर को, क्या कहें, बता दे जो भालू बने थे, हम भालू देखते, हम तो आदमी ही देखते रहे। और हम लोगों के साथ कभी कभी बड़ी समस्या देखी है, दो लोग और आ गए। ये पंडित होने का प्रताप है, नहीं आदमी 400 में सुना के चला जाता, हम 402 में सुना रहे हैं। और बहुत बेस्ट है, इनके बच्चे हमें लग रहा फर्स्ट आते हैं स्कूल में, आगे सोफे में बैठा ले गए, टापर है क्या कुछ भी भैया टापर है, मेरे भाई हैं। हम लोगों के साथ कभी कभी बड़ी समस्या आ जाती है, हर जगह प्रोग्राम में बुला लिए जाते हैं, जैसे ये स्कूल का प्रोग्राम है, यहाँ सब अच्छे लोग हैं, खूब स्कूल की तारीफ करो, खूब स्कूल के मालिक की तारीफ करो, खूब प्रिंसिपल की तारीफ करो, सामने आगे उड़ते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं, कहें पैसा तुमको देना पड़े तो भी पता चले कितने अच्छे मालिक हैं, पैसा तो हमारा खुश रहा, हर महीने 1700 जमा करो, 1800 जमा करो, आज फलानी पार्टी है, ठिकानी एक बार अपने पास से दे पार्टी। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास कहने के लिए सब दोस्त हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को नर्सिंग होम वाले बुला लेते हैं। हम नर्सिंग होम गए, उद्घाटन किया, उसके बाद कुछ चूतिया टाइप के लोग आते, भैया दो शब्द बोलिए, माइक लगे दो शब्द बोलिए। अब बताओ नर्सिंग होम में दो शब्द क्या बोले, फिर यही बोलते हैं कि मेरे मोहल्ले के प्यारे भाइयों बहनों, अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम की जगह इनके अस्पताल ले आओ, अगर आपकी अम्मा खत्म हो गई तो फिर यही तक का खर्चा यही उठाएंगे। अब बताओ अस्पताल के उद्घाटन में क्या बोल रहे हैं, अभी हम होजरी मार्केट के उद्घाटन में गए कल, एक अधिकारी आए, यह हुआ कि भैया को मोमेंटो दे दे इनका स्वागत करो, दूसरे नेता जी आए, ये हुआ इनको बुके दे के स्वागत करो। जब हम गए कह रहे इनको आगे वस्त्र पहना के इनका स्वागत करो, अब अंग वस्त्र में तो हमेशा हमने साल पहनी थी, इस बार देश राज